चिंटू मैंने सवाल क्या पूछा था, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तुमने भारत की नदियों के नाम लिखे हैं सारे। अरे सवाल पढ़ो तो सही, आंसर लिखने की जल्दी होती है बस। सॉरी सर। बताओ अभी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? मैं यहाँ पे क्या कैमरा लेके खड़ा हूँ जो मुझे पोज दे रहे हो? सॉरी सर। अरे नाइल कौन सी कंट्री में है? अरे इजिप्ट में है चिंटू। बरसात में पढ़ाई का शौक तो है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। नाना नल्ला इरके, बबीता नल्ला इरके। एक है, आज बहुत बारिश है तो आप इतने चिट्टी है इसलिए घर पर ही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी इतने बारिश में किधर बाहर जाएगा? नहीं ऐसे घर में ही तमिल मूवी देखने का प्लान है। ओके 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 ओके, टेक केयर बाय बाय बाय। बबीता बबीता बबीता। हाँ यार बोलो। बबीता मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, आज मैं घर पर ही हूँ तो मस्त साथ में मूवी देखते हैं। अगर बाहर इतनी बारिश हो रही है तुम्हें भी मूवी देखने जाना है? अरे नो नो बबीता, मैं मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवी देखने का नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग घर में मस्त टीवी पर मूवी देखेंगे। अरे हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। कौन सी मूवी देखे? तमिल मूवी। नहीं अगर तमिल मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती है, हम लोग तमिल मूवी नहीं देखेंगे। अरे बबीता मूवी के साथ में सबटाइटल आएगा ना, वो पढ़कर तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं अय्यर एक काम करते हैं, हम लोग बंगाली मूवी देखते। नहीं नहीं बबीता, मेरे को बंगाली ज्यादा समझ में आता नहीं है। अय्यर बंगाली मूवी भी नीचे ना सबटाइटल आएगा तो तुम उससे समझ जाना। हा? नहीं बबीता प्लीज तमिल मूवी देखते हैं। नो अय्यर बंगाली मूवी। बबीता तमिल। बंगाली अय्यर। तमिल। I said Bengali means Bengali movie. बबीता तुमको मालूम है साउथ इंडियन मूवी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सब लोग उसको बहुत लाइक करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अय्यर बंगाली मूवीज को लोग बहुत पहले से रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं। बंगाली मूवीज आर अ वर्क ऑफ आर्ट। तो साउथ इंडियन मूवी में भी आर्ट के साथ साथ में एक्शन रोमांस और कॉमेडी होता है। अय्यर हमारे बंगाली मूवीज में ना बहुत बड़े बड़े रिस्पेक्टेड फिल्ममेकर्स है, सत्यजीत रॉय, ऋतिक घटक, ऋतुपर्ण घोष। तो साउथ इंडियन मूवीज में भी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, मल्लिकार्जुन रेड्डी, मणि रत्नम, एसएस राजामौली, मृणाल सेन, के बालचंद्रन, अपूर्णा सेन, एच शंकर, बुद्धदेव दासगुप्त, श्री राम वेणु, श्रीजीत मुखर्जी, जय श्री कृष्ण। यू नो व्हाट अय्यर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पॉइलिंग माय मूड। अभी मुझे कोई मूवी नहीं देखनी, ना तमिल देखनी ना बंगाली देखनी। बबीता तुम मैंने ऐसा छोटा छोटा बात पे अपना मूड स्पॉइल करता है, अभी मेरे को मूवी तो क्या टीवी ही नहीं देखना है। अरे अब्दुल भाई आप आइए आइए। वो आपने कॉफी मंगाया था ना, ले। अब्दुल भाई इतनी बारिश हो रही है फिर भी सामान देने आ गए, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या, वो इतनी बारिश हो रही ना तो आज के लिए मैं दुकान बंद कर दिया, वो जिसका जिसका ऑर्डर था ना वो मैं उनके घर पे पहुंचाने के लिए आया हूँ। ओके गुड। सॉरी शायद मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं अब्दुल, मेरे और बबीता में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, वो क्या है मेरे को तमिल मूवी देखना है, बबीता को बंगाली मूवी देखना है, सिंपल। हाँ बस हम उसी का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पूरे दिन बारिश तो होने वाली है और आप लोग तो घर पे ही रहने वाले हो है ना, तो एक बार तमिल फिल्म देख लो और एक बार बंगाली फिल्म देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ बबीता गुड आइडिया। नहीं नहीं आएगा, दो दो मूवीज देखेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और बहुत हैवी लगेगा। ठीक है तो फिर आज मूवी का प्लान कैंसिल करते हैं। थैंक यू। पता नहीं आज के दिन गोकुलधाम सोसाइटी में खुशी की जगह पर मायूसी क्यों छाई हुई है, सभी लोग अपने घर में परेशान हैं, बोर हो रहे हैं, टेंशन में।
चलो मैं क्लब हाउस जाता हूँ और मेरी टप्पू सेना क्या कर रही है वो देखता हूँ। गोली। अरे यार टप्पू मुझे नहीं खेलना यार, बोर हो गया हूँ, कंटाला आ रहा है। मैं भी तेरे लिए खेल रहा हूँ, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है। घर पे तो बोर हो ही रहा था, अब यहाँ पे भी बोर हो रहा है। दिल में मचा है शोर शोर, आखिर क्यों हो रहे हम बोर 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 बोर। वो दिमाग पर लगा है जोर जोर, मिल नहीं रहा कोई रास्ता। और पहले ऐसे थे जैसे वन में नाचते मोर मोर, पर अब जैसे हमारी खुशी चुरा गया कोई चोर चोर। टप्पू सेना नहीं है कमजोर, पर आज हो रहे बोर बोर। कैसा आ गया ये दौर दौर, कैसा आ गया ये दौर दौर। अरे दिल में मचा है शोर शोर, पर क्यों हो रहे हम बोर 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 बोर। यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स आज तो रैप सॉन्ग भी नहीं बन रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, इतना बोर हो रहा है। गोली क्या हुआ टप्पू सेना? फ्रेश सोड़े की तरह हमेशा उछलने वाली मेरी टप्पू सेना आज बिना गैस के सोड़े की तरह ठंडी क्यों पड़ गई? क्या बताएं अब्दुल भाई, आज का माहौल ऐसा है कि बारिश की वजह से पूरी टप्पू सेना बोर हो रही है। बोर बोर की करे, टाइम पास ही नहीं हो रहा। वो इसके लिए तो परेशान हो गए, सबका जोश डाउन हो गया है। जैसे आप लोग बोर हो रहे हो वैसे गोकुलधाम सोसाइटी के हर घर के अंदर सब परेशान है, सब बोर हो रहे। क्या बात कर रहे हो अब्दुल भाई? हाँ मैं सामान देने के लिए सबके घर पे गया था तो सभी लोग किसी न किसी वजह से बोर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। मतलब ये कि पोपट भाई पहले मुझे मिले। बात कर रहे हो अब्दुल भाई, सबके घर पे ये हाल है। आज कोई भी गोकुलधाम वासी जोश में नहीं है, खुश नहीं है, सब बोर हो रहे, परेशान है। आशित अंकल का फोन, स्पीकर पे रख। हाँ स्पीकर पे रख। हेलो आशित अंकल, ये बारिश के मौसम में मेरी प्यारी टप्पू सेना क्या कर रही है? परेशान हो रहे हैं। बोर हो रहे, अरे परेशान हो रहे वो भी आज के दिन। नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई गलत बात है, मैं तो दुखी हो गया एकदम। अभी क्या कर सकते हैं? बाय द वे आप क्या कर रहे हैं? ये मुस्कुराती हुई मौसम, सुहानी प्यारी रिमझिम बरसती बारिश को देखते हुए मेरे परिवार के लिए पकोड़े तल रहा हूँ। अरे गर्मा गर्म पकोड़े एकदम फर्स्ट क्लास। वाह आशित अंकल आप पकोड़े बना रहे, वाह। अरे टप्पू सेना आप जैसे बोर हो रहे हो ना वैसे ही मेरा परिवार भी बोर हो रहा था। वो लोग भी कंटाल रहे थे कि क्या करे क्या करे, पर आपको तो पता है मैं कभी किसी को बोर होते हुए दुखी होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको खुश कर देता हूँ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाता हूँ। वो लोग खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया, क्योंकि गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हुए मुझे भी खुशी मिलती है, उनको खाते हुए खुशी मिलेगी, मुझे बनाते हुए खुशी मिलेगी। वाह 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 आशित अंकल बहुत बढ़िया। लेकिन टप्पू सेना मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, सबको खुश रखने वाली सबको हंसाने वाली टप्पू सेना आज का दिन कैसे भूल सकती है? पर आशित अंकल आज का दिन ऐसा क्या खास है? हाँ बताइए ना, बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ टेंशन तो होगा ही क्योंकि आज का दिन भूल गए। अरे सोचो सोचो, हाँ आज कौन सी तारीख है? 28 जुलाई, हंसो हंसाओ दिवस।
खुद भी हंसो और सबको हंसाओ। अरे हाँ, थैंक यू सो मच आशी दंगल में याद दिलाने के लिए। आज हंसो हंसाओ दिवस है। अरे भाई, खुद भी खुश रहो और सबको खुश रखो। आज का दिन, आज का दिवस तो सबको हंसी और खुशियां बांटने का दिन है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी ऐसे बोर होके बैठेगी, परेशान होके बैठेगी, ये भाई सब ठीक नहीं है। तो भाई मनाओ, हंसो हंसाओ दिवस 28 जुलाई। हाँ हाँ दंगल, बरसात में तो हम लोग सब भूल ही गए कि आज 28 जुलाई है, आज हंसो हंसाओ दिवस है। तो अभी टपू सेना ये बोरियत छोड़ो और जोश में आ जाओ, हो जाओ तैयार हंसो हंसाओ दिवस मनाने के लिए अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के साथ। वाह 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 आशीष अंकल, आपने तो एक ही बॉल में विनिंग शॉट मार दिया। आज हम भी हंसेंगे और पूरे गोकुलधाम वासियों को भी हंसाएंगे। यस, ये हुई ना बात। आज हंसो हंसाओ दिवस पर कोई भी दुखी नहीं रह सकता और कोई भी परेशान नहीं रह सकता। yes. लेकिन आशीष अंकल, हम लोग ऐसा क्या करें जिससे सबकी बोरियत दूर हो जाए और सब खुश हो जाए? अरे देख, ये आइडिया भी टपू सेना को मैं दूं? अरे मेरी टपू सेना बहुत होशियार है, कुछ आइडिया निकालो, सोचो और सबको बुलाओ और मजा करो। ठीक है आशीष अंकल, हम लोग कुछ सोचते हैं। चलो अभी आप लोग भी मजा करो और खुशियां मनाओ, मैं भी मेरे परिवार को अभी पकौड़े खिला के खुश करता हूँ। बाय। गर्मा गर्म भजिया तैयार। यस, मैं भी एक काम करता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी को सरप्राइज देता हूँ और उनके साथ मजे करता हूँ। अच्छा हुआ आशीष भाई ने याद दिला दिया, आज हंसो हंसाओ दिवस है। तो फ्रेंड्स, आज 28 जुलाई यानी कि हंसो हंसाओ दिवस है, तो टप्पू सेना की जिम्मेदारी बनती है सारे गोकुलधाम वासियों के चेहरे पे मुस्कान लाए। करेक्ट गोली, हमें ऐसा कोई सॉलिड आइडिया सोचना होगा जिससे सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। सोचो फ्रेंड्स, सोचो 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 क्या कर सकते हैं। 28 जुलाई फ्रेंड्स आइडिया क्या? बहुत मजा आ जाएगा। देर किस बात की फ्रेंड्स, चलो चलते हैं और सबको हंसी खुशी के बारिश में भिगोते हैं। अरे दिल में मचा है शोर शोर क्योंकि आ गया है अब शोर शोर क्या बात है आशीष भाई, आपके एक फोन ने माहौल बदल दिया। टप्पू बुलाने की शुरुआत किससे करें? तेरे बाबा से, हम सबके प्यारे और पूरी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी भिड़े अंकल से। एक बार वो हमारे साथ खेलने आ गए ना, फिर तो सब आ ही जाएंगे। राइट राइट राइट, तो चलो डन, बुलाते हैं भिड़े अंकल को। एक मिनट, बुलाते हैं लेकिन टप्पू के स्टाइल से। टप्पू पक्का ना? पक्का पक्का। बोली रेडी रेडी आ जा, चल। अरे बाप रे, ये बारिश के साथ साथ तूफान भी आ लगता है। छे तू बस इकड़े। तो ये तूफान टप्पू सेना मचा रही थी। अरे अब्दुल, तुम भी इनके साथ खेल रहे हो? खेल रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे वो टप्पू सेना, इतना शोर मचा रहे हो तुम लोग, शांति से नहीं खेल सकते? भीड़े भाई, शांति से कैसे खेल सकते हैं? हाँ भीड़ अंकल, बिना हंगामे के खेल खेल नहीं लगता है। हाँ भीड़े अंकल, बिना शोर के खेलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी क्लास चल रही है। अरे मेरी वाकई में क्लास चल रही है भाई, मैं चिंटू को पढ़ा रहा हूँ, अभी ये शोर करना बंद करो। भीड़े अंकल, आज सब बंद है, आप भी अपनी क्लास बंद कर दीजिए। हाँ।
मेरा मतलब है कि आप ही हमारे साथ खेलने आइए। नहीं नहीं मैं नहीं आने वाला। ओ पापा याना प्लीज। हाँ सोनू पाड़ा में पढ़ा रहा हूँ चिंटू को। बीड़ अंकल बॉल दीजिए ना। प्लीज 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 बॉल। बॉल यहाँ है। ठीक है अभी ये बॉल नहीं मिलेगी। बॉल दे दीजिए ना, दूसरी बार बॉल नहीं आएगा। हाँ बाबा प्लीज दे दीजिए। ठीक है लेकिन बिना शोर किए खेलो खेलो। ए बिना का तो डांट के चले गए। हाँ टप्पू तेरी कुछ स्टाइल समझ नहीं आया भाई। हाँ भीड़ अंकल तो खेलने के लिए आए नहीं, अब की करे। हाँ फ्रेंड्स हैव पेशेंस, भीड़ अंकल खेलने जरूर आएंगे। जब तक भीड़ अंकल नहीं आएंगे ना तब तक टप्पू हार नहीं मानेगा। बहुत अच्छा ड्राइंग निकालते हो चिंटू। थैंक यू सर। सॉरी सर। अरे काय चाललंय काय, कार्टून निकाल रहे हो यहाँ पे तुम? ड्राइंग क्लास चल रही है? ये बताओ दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इजिप्ट। वाह और कंट्री कौन सी है? नाइल। माधवी जान लवकर, अख्खा देश नदी टाकून दिला याने। कळलं का माधवी, इजिप्त नदी नाईल मध्ये। काहीतरीच काय, इजिप्त मध्ये नाईल नदी असते। याला सांग सब उलटा बोल रहा है। काय रे कसला आवाज झाला? ये टप्पू सेना। कुछ भी हुआ नहीं की लगे टप्पू सेना। टप्पू सेना कुठून आली आता? अरे आओ बताता हूँ। आओ आओ तुमको मैंने एक बार बोला समझ में नहीं आया? भीड़ अंकल जस्ट चील का चील। भीड़ अंकल आप समझ नहीं रहे हो, ये बॉल आपको नीचे खेलने के लिए बुला रहा है। क्या पता नहीं भीड़ अंकल, जैसे हम लोग किक मारते हैं ना बॉल ऑटोमेटिकली आपके घर का डायरेक्शन पकड़ लेता है। ये बॉल तो समझता ही नहीं है, अभी आप भी बताइए ये बॉल को कैसे समझा है? अरे ये मीडियम सोड़ी तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? यही कि गोगी ये कहना चाहता है कि आप भी हमारे साथ नीचे फुटबॉल खेलने आइए ना। हाँ बाबा प्लीज आइए ना, बहुत मजा आएगा। आइए आइए। माधवी भाभी भीड़ भाई को समझाइए ना। हाँ आहो चलिए ना चलते हैं। अरे तुम भी क्या बच्चों की हाँ में हाँ मिला रही हो? ठीक है ना, वैसे भी बारिश में भीगने जाने ही वाले थे ना, तेवड़ा था आला तो नहीं जा पाए हम लोग, लेकिन खेलने तो जा ही सकते हैं ना, चलिए ना। अरे बराबर है माधवी, लेकिन चिंटू को पढ़ाना भी तो है ना। भीड़ सर मैं भी चलूँ आपके साथ। हाँ अरे तुमने तो बोला कि तुम्हें बरसात में पढ़ना पसंद है। सर अब पढ़ तो लिया, चलिए ना सर थोड़े मजे करते हैं। अरे लेकिन अगर तुम्हें ये बारिश में सर्दी जुकाम हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं सर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, एक बार भीगने से मुझे कुछ नहीं होगा, चलिए ना सर प्लीज प्लीज प्लीज। चलो ना ऐसा क्या है, आइए 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 बहुत मजा आएगा, चलिए ना प्लीज। बाबा आप भी आपके जमाने में बारिश में खेलते होंगे ना? हाँ भीड़ अंकल आपको आपके जमाने की कसम, आपको बारिश में खेलने आना ही पड़ेगा। बाबा प्लीज आइए ना, आज तो सोसाइटी का स्पेशल दिन है। हाँ। आज का स्पेशल दिन है? अरे वो सब हम लोग बाद में बता दे भीड़ अंकल, पहले आप खेलिए तो आइए। ओके ठीक है खेलते हैं। ये लो सॉरी सॉरी। ये है मस्ताना यार, बड़े हंसी खुशी का ये तो है सुपर कूल, ये है गेंदे का फूल, ये तो लगता है धूल, देख लो एटीट्यूड। अट्ठाईस जुलाई यानी कि हसो हसाओ दिवस। वैसे तो 28 जुलाई दो दिन बाद आने वाला है, लेकिन मैं आपको अभी से याद दिला रहा हूं। पूछे क्यों,
आप सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, इसीलिए दर्शकों 28 जुलाई हमारे लिए बहुत ही खास है और इस खास दिवस को और भी ज्यादा खास बनाए बरसात ने। देख रहे हैं ना आप कैसे सारे गोकुल धाम वासी बारिश के इस पानी में मछली की तरह गोते लगा रहे हैं। भाई मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बरसात को, टप्पू सेना को और खास करके असित कुमार मोदी जी को, जिन्होंने टप्पू सेना को फोन करके 28 जुलाई के बारे में याद दिलाया और उनका उत्साह बढ़ाया। असित कुमार मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टप्पू सेना और गोकुल धाम वासी तो 28 जुलाई के बारे में भूल ही गए थे, लेकिन अगर असित कुमार मोदी जी सही वक्त पर टप्पू सेना को फोन करके याद नहीं दिलाते तो सब अपने घर पे बैठ के परेशान हो रहे थे। और अब देखिए कैसे सब लोग हंसो हंसाओ दिवस का आनंद उठा रहे हैं और सब झूम उठे हैं। अब गोकुल धाम में एक दो नहीं बल्कि एक एक करके सब आने वाले हैं और इस हंसो हंसाओ दिवस का आनंद उठाने वाले हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस हंसो हंसाओ दिवस का आनंद उठाइए। ये हंसो हंसाओ दिवस हमारे लिए टेंशन दिवस तो नहीं बन जाए? हमारे लिए कितना भी टेंशन हो लेकिन आपके लिए हंसी और ठाकों की बारिश ही होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।